चार से काटो, कितनी बार जाएगा? चार तीना बारह, पूरा कट जाएगा। चौथी बार से तीसरी संख्या को भी काटना है, जिस संख्या से तुम नंबर तीन एक दो, हम देख रहे हैं इन तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो तीन एक दो ऊपर का एचसीएफ करना है, चार दो और तीन, चार और दो। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की इस क्लास में एलसीएम के साथ में। आज हम सीखने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, और इसके बाद हम सीखेंगे एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला, ठीक है। एलसीएम क्या है बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, बस देखते रहे लास्ट तक वीडियो देखिए, आप बिल्कुल एलसीएम सीख के जाएंगे। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कटे, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कटे, मतलब जो भी संख्या आपको दी जाती है और उसका एलसीएम पूछ लिया जाए तो उसका एलसीएम क्या आएगा? जो उस तीनों संख्या, जो भी संख्या मतलब तीन दी है, चार दी है, उन सभी संख्याओं से वो कट जाए, बस वही एलसीएम होता। और वो संख्या कैसी होनी चाहिए? सबसे छोटी संख्या। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए जो उन सभी संख्याओं से कट जाए, वही होता है एलसीएम। तो जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल तरीके से हम देखते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 6, 8, 12 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने की आप प्राथमिक विधि जानते ही होंगे, बचपन से करते आ रहे हैं। कैसे निकालते थे कि एलसीएम? ऐसे निकालते थे 6, 8, 12 लिख के, ऐसे करते थे, ठीक। अब क्या करना होता था? ऐसे नंबर ढूंढना है, छोटा सा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। छोटा सा नंबर हम 2 से स्टार्ट करते थे, तो 2 से लेते हैं। 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा? 2 3 यानी 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12 कट गया। फिर उसके बाद क्या करते थे हम? ऐसे छोटी संख्या फिर लेते थे जो इन तीनों को काटे, या तीनों नहीं कट रहे, 2 संख्या को काटे, ठीक है, या जिससे भी कटे। तो किससे कटेंगे? 3, 2 से नहीं कटने वाला, लेकिन 4 और 6 2 से कट जाएगा तो हम काट देते हैं 3। वैसी जो नहीं कटेगा एज इट इज उतार देते थे, उतार दिया हमने। 2 से 4 को काटा, 2 2 4 और 2 3 6। अब हम देख रहे हैं यहां 2 से केवल एक कटेगा, काट देते हैं 3 1 3 3 से काट देते हैं 1 1 1, ऐसे कट गया। आप यहां पे डायरेक्टली ऐसे ही बता सकते हो कि यहां जो आगे क्या अभाज्य संख्याएं आ गई हैं, तो डायरेक्टली यह मल्टीपल हो जाता, ठीक है। हमने आपको दिखाया कि एलसीएम मतलब एक तक ले जाते हैं गुणनखंड करते हुए, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, कितना हो गया आपका? इसका एलसीएम 24 आएगा, ठीक है। ये होता है प्राथमिक विधि करने का। वैसे क्या क्या जाता है इसमें कि आपको पहले क्या ढूंढना होता, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दी हुई है? 6 8 से में कौन, ये 12 बड़ी है। तो पहले चेक करो यह 12 जो है क्या इन दोनों संख्याओं से कट रही है, यह 12 जो दी हुई है क्या यह इन दोनों संख्याओं से कट रही है? तो हम चेक करते हैं, 6 से तो कट रही है, 6 से तो कट रही है, 6 2 12, लेकिन 8 से कटेगी? नहीं कट रही, 8 से नहीं कट रही है। तो हम क्या करेंगे? 12 का मल्टीपल लेंगे, 12 का ऐसा मल्टीपल संख्या लेंगे जो इस 8 से कटे, क्योंकि हमें 6 से भी नहीं देखना है, क्योंकि 6 से तो खुद ही कट गई पहले। तो हमें 12 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो 8 से कटे। तो 12 का ऐसा मल्टीपल क्या होगा? हम 12 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं या 12 में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे 12 का पहाड़ा पढ़े हम, 12 1 12 12 2 24, क्या 24 8 से कटेगा? 8 3 24 जरूर कटेगा। तो हम कह सकते हैं देखो, इस 24 जो आ गया, यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आ गया, 12 2 24, यह 24 क्या हो गया? अब यह 6 से भी कटेगा, 6 4 24, 8 से भी कटेगा, 8 3 24 और 12 2 24। तो हम कह सकते हैं 24 जो है इन तीनों संख्याओं क्या हो गया? एलसीएम। हमने क्या बोला था? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वही होता है उसका एलसीएम। सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वही क्या होता है? उनका एलसीएम लासा होता है। और यह होता है प्राथमिक विधि। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे करोगे और आसान तरीके से बहुत ही कम समय में आप किसी चीज का एलसीएम निकाल सकते हैं। देखते हैं एचसीएफ। अब तक आप एलसीएम सीख चुके हैं, अब देखते हैं एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है एचसीएफ? देखिए लिखा हुआ है वह बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्या कटे। अब तक आप एलसीएम में क्या देखे कि वह छोटी संख्या मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था, यह एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वह मल्टीपल था यह फैक्टर है। तो हमने एलसीएम में क्या देखा कि वह छोटी संख्या जो तीनों जो भी संख्याएं दी जाती थी उससे कट जाए। अब यहां पे क्या देख रहे हैं? वह बड़ी संख्या जिससे जो संख्याएं दी गई हैं वो कट जाए,
मतलब जो संख्या दी गई है उसको वह संख्या काट दे तो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, जो संख्या दी गई है उससे वह कट जाए, वह एलसीएम होता है। तो एचसीएफ हो गया ये बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्या कटे। एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। एग्जांपल जैसे हम सेम ले लेते हैं, एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं कोई भी नंबर, जैसे आपको हो गया 12, 16, 18, ये तीन नंबर हमने ले लिया और बोल दिया गया चलो इसका एचसीएफ निकालो। इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ निकालने का क्या है फंडा, देखिए नॉर्मल सा फंडा है कि इसका मल्टीपल ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, लेकिन बड़ी संख्या होनी चाहिए। वह बड़ी संख्या क्या हो सकती है, देखते हैं क्या जो संख्या सबसे बड़ी है उससे या सबसे छोटी संख्या जो है क्या वह सभी को डिवाइड कर रही है। तो सबसे छोटी संख्या 12 है, तो क्या 12 सभी को काट रही है? नहीं काट रही। तो हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का क्या है, सभी का अलग अलग गुणनखंड करते थे प्राइमरी विधि, देखते हैं कैसे करते थे। पहले आप 12 लिखते थे, 12 लिख के उसको काट देते, 6 से कट गया, फिर 2 से काट देते, 3 से कट गया, फिर इसको 3 से काट देते, 1 से कट गया, यह हो गया 12 का मल्टीपल। यहाँ पे ऐसे लिखते थे 12, यहाँ लिख देते थे 16, यहाँ पर लिख देते थे 18, ठीक है, ऐसे बराबर लिख देते थे। देखिए ये एचसीएफ निकालने का विधि है, प्राइमरी विधि। यह गुणनखंड हो गया 2×2×3×1, 12 का 2×2×3×1। एक जो होता है सभी संख्याओं का एचसीएफ होता है, एक जो होता है सभी संख्याओं का एचसीएफ होता है। 16 क्या हो जाएगा, 16 का भी वैसे सेम निकाल लेते हैं। ये निकालने की विधि है, आप प्राइमरी विधि ऐसे यूज करते हो, 2 से काटेंगे, 4 हो गया, 2 हो गया, कट गया, ठीक है। 2×2×2×2 लिख दो इसे भी, 2×2×2×2×1, ठीक है, इतना हो गया। वैसे 18 का निकालना था प्राइमरी विधि से, ऐसे 18 का भी निकाल लो, 2×9=18, 3×3=9, 3 से कट गया, ठीक है। तो हो गया 2×3×3×1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना था, एक लाइन ड्रॉ करनी थी और जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में सेम दिख रहा हो कॉमन हो उसको नीचे पे कॉमन बनाना था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आप इसको कॉमन ले सकते हो, 2 हो गया। और देखते हैं क्या कोई नंबर कॉमन है, तो हम देखते हैं 3 इसमें है, इसमें भी है, बट इसमें 3 नहीं है, लेकिन 1 सभी में कॉमन है, तो हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कितना आ गया इसका, 2×1=2। इस तरीके से आप अभी इसका देखें गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। अब हम देखते हैं इसी को भाग विधि से कैसे निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ दो विधि से निकाला जा सकता है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो नॉर्मली हम देखते हैं अब इसका भाग विधि, भाग विधि से इसका एचसीएफ कैसे करेंगे। तो भाग विधि से एचसीएफ करने का नॉर्मल तरीका है कि किसी भी दो नंबर को पहले ले लो, जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है, देखो जैसे बड़ा नंबर हो गया 16 ले लेती है, ठीक है। 16 को हम किससे काटें, उससे छोटे वाले से, ये नहीं कि 18 से काटने लग जाओगे आप, नहीं, क्योंकि 18 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा। तो 16 लिए हो तो 12 से देते हैं, ठीक है, 12 से भाग देते हैं इसे, तो 12 से 16 में भाग देंगे, तो 12 से 16 में भाग देंगे तो 16 के निकटतम जाना चाहिए, 12 का ऐसा मल्टीपल हो जो 16 के निकटतम तक जाए। तो 12×1=12, 12×2=24 होता है, 24 16 से बड़ा हो जाएगा, 2 तक तो नहीं जाएगा, तो 12×1=12, 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। अभी जो 4 बचा है, इस 4 से आप क्या करोगे, जिससे अब तक भाग दे रहे थे ना, अब इस 4 से उसको काटोगे, इस 4 से उसको काटोगे। चलो यहीं से देखो, ऐसे बना लो, ये 12 था, 12 यहां लेके आ जाओ, ये जो 12 यहां था उसको यहां पे लेके आ जाओ, अब इसको काटो, तो 4 से काटो, कितनी बार जाएगा, 4×3=12 पूरा कट जाएगा, 4×3=12 कट गया, ठीक है। अब क्या करना है, जिस नंबर से यह दोनों संख्याएं कट गई हैं उसी नंबर से तीसरी संख्या को भी काटना है, जिस संख्या से दोनों नंबर कट गए हैं उसी संख्या से तीसरी संख्या को काटना है। तो हमें क्या करना है, इसी 4 से 18 भी काटना है, काट दो। अब 4 से पहाड़ा पढ़ो कि 18 आ जाए या तो 18 के निकटतम आ जाए, तो 4×16 18 में 16 गया 2, यहां पे फिर 4 जो मैंने क्या बोला था, जो जिससे भाग दिया जा रहा है फिर उसको भी यहां पे लेके आ जाओ, ठीक है, 2×2=4 कट गया। अब कहने का मतलब जो एट लास्ट एकदम अंतिम में सबसे छोटा फैक्टर बचता है, सबसे छोटा फैक्टर वही होता है क्या, एचसीएफ होता है। कहने का मतलब 2 क्या हो गया, इस संख्या का एचसीएफ हो गया, 2 क्या हो गया, इन संख्या का एचसीएफ हो गया। गुणनखंड विधि से आप निकाले 2 आ गया, भाग विधि से भी आप निकालिए 2 आ गया, ठीक है। तो मे बी आपको एलसीएम और एचसीएफ का यह नॉर्मल सा स्टेप समझ में आया होगा। तो
अब तक आप सीख चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट, कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब हम सीखेंगे किसी जब कोई फ्रैक्शन दी हो, जब कोई भिन्न दिया हो, तो भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सिंपल नॉर्मल सा फार्मूला होता है कि भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, जो अंश होता है अंश का एलसीएम निकालते हैं, अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। मतलब फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, अंश का एलसीएम और बटा हर का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। मतलब जो निकालना है वह अंश का निकालेंगे और हर का क्या, उसका विपरीत करेंगे। मतलब एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, हर का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। जस्ट जैसे कोई एग्जाम्पल दिया गया है, 4, 2, 3, मतलब 4/3, 2/1, 3/2, यह एग्जाम्पल दिया गया है और इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो एज इट इज फार्मूले पे रख देंगे। फार्मूला क्या कहता है, एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अंश क्या है, जो ऊपर होता है अनुपात में, या अनुपात क्या होता है, अनुपात के नंबर सिस्टम में ही, अनुपात क्लास में हम जानेंगे। तो 4, 2, 3, ये 4, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने का एक नॉर्मल सा तरीका है, यदि कोई अभाज्य संख्या दी हुई है, मतलब जिसे कोई विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो उसका एलसीएम हम उनका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। अभाज्य संख्याएं क्योंकि कटती नहीं है तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। तो 4, 2, 3, 3 का इसका एलसीएम क्या होगा, हम देख रहे हैं 4, 2 से कट रहा है, 4, 2 से कट रहा है, लेकिन 3 नहीं कटेगा। 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 4 क्या है, 2 से कट जाएगा। तो क्या एलसीएम इन दोनों का, अगर 2 और 4 का एलसीएम निकालना हो तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब 4 एक ऐसी संख्या जो 4 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगा, यही तो एलसीएम होता है। तो हम कह सकते हैं इनका 4 आएगा 3, तो 4 और 3 इनका कोई भी कॉमन नहीं है, तो 4 3 12 हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट एलसीएम आएगा, 4 3 12 इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कि जो कॉमन होता है, मतलब जो ऐसी छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए, तो छोटी संख्या कौन सी है, 3, 1, 2, हम देख रहे हैं इन तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। मतलब ये अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 3, 1, 2 इसमें क्या है, 3, 1, 2 इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1, यह हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम कितना आ गया, इस फ्रैक्शन का एलसीएम 12/1 हो गया, इस फ्रैक्शन का एलसीएम 12/1 हो गया। हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर का एचसीएफ करना है, 4, 2 और 3, 4 और 2 और 3 में कॉमन कौन है, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन तो कोई नहीं है, क्योंकि 4, 2 में तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन 3 में क्या 2 है, नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, इसका एचसीएफ 1 हो गया बटा। और नीचे हर का क्या करना था, एलसीएम, हर का एलसीएम करना था, तो 3, 1, 2 हमने कहा जब अभाज्य संख्याएं दी हो तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 1/6, तो कह सकते हैं इसका एचसीएफ 1/6 हो गया, एलसीएम 12/1 हो गया।